फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फोर्थ कली वाली सलवार की सबसे आसान कटिंग बताऊंगी। तो यहाँ हमने 2 मीटर का फैब्रिक लिया है, तो कलिया वाला सलवार हम कैसे कटिंग करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने 2 मीटर का फैब्रिक लिया है, तो आप अपने साइज के हिसाब से कपड़ा ले लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, कटिंग करना है। तो सबसे पहले फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड में रखना है, तो यहाँ हमने डबल फोल्ड में रखा हुआ है, ये देखिए, तो ये डबल फोल्ड में है। अब हमें बीच वाला पार्ट्स निकालना है, तो इसको हम 4 फोल्ड करेंगे, क्योंकि दोनों पार्ट्स इसी में निकाल देना है। अब क्या करते हैं, आपको जिस साइज की सलवार बनानी है वो साइज लेनी है। तो यहाँ हमने ये साइज ले लिया है, ये देखिए, इसी साइज से हम सलवार की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम इतना एक्स्ट्रा रखेंगे जो कि हमारी पोचा बनेगी, तो हम इसकी लाइनिंग सीधा कर लेते हैं। जितना हमें बनानी है पोचा, उतना हमें सीधा यहाँ से एक मार्क लगाएंगे, तो इतना हमारी चूड़िया फोल्ड होगी, यानी कि पोचा फोल्ड होगी। अब यहाँ से हमें लेंथ देखना है पार्ट्स का, तो ये हमने चूड़िया का ले लिया। अब यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है जो कि स्टिचिंग में जाएगी। अब यहाँ से सीधा लाइन ड्रॉ करना है, ये तो ये बीच वाली पार्ट्स होगी। तो अब इसको करते हैं कटिंग। तो ये बीच वाली पार्ट्स हो गई, अब कटिंग करेंगे कली की। तो ये वाला पार्ट आप बीच वाला जितना रखना चाहते हैं उतना रखिएगा, तो हम इसको इतना स्टिचिंग में जाएगा, तो इसका चौड़ाई बिल्कुल सही है। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं दोनों को, दोनों पैर का। तो सबसे पहले आपको बीच वाला पार्ट निकालना है, पोछा का लंबाई प्लस कर लेना है ऐड। तो देखिए इसमें दोनों हो गया, अब इसको ऐसे डबल रख लेते हैं। अब कर लेते हैं कली की कटिंग। तो कली की कटिंग कैसे करेंगे, तो यह वाला फैब्रिक लेना है, फैब्रिक इसको हमें फिर से डबल रखना है। तो देखिए ये हमने डबल रख लिया है, अब इसको सफाई से कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, हम कैसे कटिंग करेंगे, तो पहले हम अपना सलवार लेंगे, सलवार का हम आसन देखेंगे, आसन कितना पे है, यानी कि यहाँ पे ऐसे लेंगे, और ये जो आसन है उसको हमें उठाना है, और यहाँ से आसन लेना है। तो जितना आसन है 1/2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा, 1/2 इंच नीचे एक्स्ट्रा। अब यहाँ मार्क लगा लिए, ये 1 इंच का सीधा मार्क लगाना है। अब यहाँ से लंबाई देखना है, तो बीच वाला पार्ट से उठाएंगे ये, तो ये बीच वाला हमने पार्ट्स उठा लिया है। अब पोंछा को छोड़ते हुए यहाँ से एक मार्क लगाएंगे, क्योंकि पोंछा नीचे फोल्ड होगी। अब इस मार्किंग को सीधा ड्रॉ करेंगे, कली कटिंग करने के लिए इस मार्किंग को सीधा ड्रॉ करना है। करने के लिए यहाँ हमने एक सीधा स्केल लिया है, ये, अब इसी की हेल्प से हम सीधा मार्किंग कर लेंगे कली कटिंग के लिए। तो यहाँ पे भी हम 1 इंच सीधा देंगे ऐसे। अब करते हैं इसकी लाइनिंग सीधा ड्रॉ कली के लिए, तो दोनों कली इसी में होगी। अब इसको हम थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं ताकि आपको सही से दिखे। तो यहाँ पे हमने डार्क कर लिया है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से कली की कटिंग करना है। तो वो उधर खुला वाला साइड है, ये देखिए, इधर हमने बंद वाला खुला वाला साइड रखा है, और इधर हमने बंद वाला साइड रखा है। तो बंद वाले साइड को खोल लेना है, तो पहले इसको खोल भी सकते हैं आप, और कली के पहले कटिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले कली की कटिंग कर लेते हैं, इस तरीके से। ये तो यहाँ हमने कली की कटिंग कर लिया है, ये देखिए, दो कली, ये कटिंग इसमें हो गई। अब इसको हमें अलग अलग करना है, तो ये कलिया को हम अलग अलग कर लेंगे, दो कली आ जाएगी। तो यहाँ हम
अलग अलग कली की कटिंग सफाई से कर लेंगे। तो यहाँ हमने दो कली कट कर लिया है। अब क्या करना है, इसको इसके ऊपर डाल देना है और दो कली और कटिंग करना है। तो उड़ेप के साइड से कली जैसे हमने कट किया था उसी साइज से हमें इसके ऊपर डालना है। तो फिर से हम सफाई से इसको बिछा लेंगे। तो यहाँ हमने बिछा लिया है, अब इसके ऊपर इसको फिर से सेम डालेंगे। ये देखिए ऐसे डाल देना है इसी के ऊपर। तो हमने इसके ऊपर डाल दिया है, अब कर लेना है कटिंग। ऐसे कटिंग करना है बिल्कुल सफाई से। तो यहाँ हमने कटिंग कर लिया है, अब क्या करना है, इसको हमें अब इधर बंद वाला साइड आ जाता है तो इसको भी ओपन करना है, यानी कि खोल देना है। तो यहाँ पे हमने ओपन कर लिया। तो ये चारों कली देखिए कितनी आसानी से कटिंग हो चुकी है। अब लगाना है बेल्ट। तो ये जो फैब्रिक बचा है इसी से हम बेल्ट लगा लेंगे। अगर कम है तो आपका सूट का कपड़ा सेम है, ज्वाइंट लगा लीजिएगा उससे बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आपको बेल्ट कम ज्यादा है तो अगर आपका सूट सेम है या डिफरेंट भी है तो आप कमर पट्टी लगा सकते हैं। तो इससे हमें थोड़ा सा एक इंच बढ़ाना था, तो हमने सब साइड से एक एक इंच बढ़ाना था, तो हमने सूट से ही ले लिया बेल्ट। ये देखिए इस टाइप से, तो ये सूट का ही बेल्ट हम लगा लेंगे। और ये हो गया हमारा चारों कली और ये हो गया बीच वाला पार्ट्स। मैं इधर से दिखाती हूँ, ये दोनों बीच वाला पार्ट्स इसी में है। तो इससे पहले भी हमने बहुत सारी कटिंग स्टिचिंग शेयर किया हुआ है, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि इसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं, तो चेक एक बार जरूर कीजिएगा। और ये बेल्ट देखिए इस टाइप से, बहुत इजी है। आप लॉकडाउन के दौरान घर बैठे आसानी से अपनी सलवार की कटिंग स्टिचिंग कर सकते हैं। समझ नहीं आए तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बताऊंगी। तो देखिए इस तरीके से मैं पूरे को सो करती हूँ। तो फ्रेंड्स सारे पार्ट्स इसी में हैं। तो ये देखिए चारों कली है, इसमें दोनों में ज्वाइंट होगी, ऊपर प्लेट्स लगेगी। तो स्टिचिंग हम कैसे करते हैं, तो हमने इससे पहले बहुत सारे शेयर किया हुआ है, वो सारे के लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि सलवार कैसे सिलते हैं आसानी से घर बैठे। तो फ्रेंड्स आज की ये सलवार कटिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को करना है लाइक। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को करना है सब्सक्राइब। कुछ पूछना है तो नीचे करना है कमेंट। फिर मिलते हूँ नेक्स्ट कटिंग स्टिचिंग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।